नमस्कार जूले, ये आज मेरा चौथा दिन शुरू हो रहा है अनशन का। और खुले आसमान में तापमान यहाँ पर -16 के करीब था। आप देख रहे हैं ये जो गिलास पानी से भरा था ये पूरा जम गया है, और इस गिलास में तो एक विज्ञान का अनुसंधान हो गया है। ये भरा हुआ था कल रात को, अब ये उठकर ऊपर हो गया है, यानी कि जमने पर पानी का परिमाण वॉल्यूम बढ़ जाता है। इससे दिखता है टेबल पर जो पानी गिरा वो सब जम के ऐसा हो गया है। ऐसे में हम अनशन कर रहे हैं, मगर सबसे हैरानी मुझे ये है कि आज तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है इसका जरा भी जिक्र नहीं किया। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती है तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर भारत चीन और पाकिस्तान के सीमा पर लद्दाख इस पर जीरो चर्चा है। आपको पता है मेरे ख्याल से तो आज भारत के इस सीमा पर हमारे सैनिक सबसे कमजोर स्थिति में हैं, क्योंकि यहां पर सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते हैं लद्दाख स्काउट्स, सिख रेजिमेंट्स और गुरखा रेजिमेंट्स। आज लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूटा है, ठेस पहुंचा है, क्योंकि लद्दाख को न लोकतंत्र दिया गया है न संरक्षण। और दूसरी तरफ सिख सैनिकों का मनोबल भी कमजोर है, क्योंकि जो पंजाब में आंदोलन हो रहे हैं उसका असर उनपे भी पड़ता है। और गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है, आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है, मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जरा भी चर्चा नहीं कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोज को शेयर करें, और कहें इन हमारे भारत के मीडिया चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर हैं डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फर्ज निभाएं। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दोगलापंथी में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लद्दाख का समर्थन करेंगे, भारत के सीमा की सुरक्षा का समर्थन करेंगे, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। धन्यवाद।